तीन दिन से उसे देखा नहीं है। अरे उसके बिना मॉर्निंग वॉक में भी मजा नहीं आ रहा है। बाय द वे वेयर इज ही? जैक, हे जैक, जयंते, वेयर आर यू? जयंती, अंकल डैडी घर पे नहीं, तीन दिनों से वो आउट ऑफ टाउन है। व्हाट, आउट ऑफ टाउन? पर कहाँ? अरे मेरे बगैर वो बाजार तक नहीं जाता, तो आउट ऑफ टाउन कैसे गया, और वो भी बिना बताए? इम्पॉसिबल। क्या करें अंकल, डैडी के स्वभाव को तो आप बचपन से जानते हो, अपनी मर्जी के मालिक है। डैडी डोंट लाई, दादू को डैडी ने घर से निकाल दिया। हीरू, शट अप एंड गो इनसाइड। भास्कर, क्या हीरू सच बोल रहा है? तूने अपने बाप को घर से निकाल दिया? अंकल ये बच्चा है, कुछ भी बोलता है। समथिंग इज रॉन्ग हियर, दाल में कुछ काला है। अरे मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अंकल आप तो जानते हो हम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहते हैं, लेकिन डैडी को बात बात में आर्ग्यू करने की आदत है। अरे जमाना बदल गया है और वो अभी भी अपने जमाने की बातें करते हैं। हाँ तीन दिन पहले थोड़ा ज्यादा हो गया था। Tell me, problem kya hai? Why did you ask me to come early? Bhaskar beta, mujhe teri bahut chinta hoti hai. Dad, main bachcha thodi na hu ki aap meri chinta karte ho. Kya karu? Baap na tera. Aur aaj mere se galti ho gayi. Maine tujhe clinic pe phone kiya. Par tune mera insult kar diya. Ye keh ke ki don't ever call me at the clinic. You know I'm a busy guy. अरे बेटा मैं इतना ही पूछना चाहता था कि तुम घर कब लौटोगे, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात तुमसे डिस्कस करनी थी। और मैं देखता हूँ आजकल तुम घर पे भी बहुत लेट आते हो। डैन मैं आपके बोल बचन से तंग आ चुका हूँ, आपको तो काम धंधा है नहीं लेकिन मुझे है, और मैं आपको सब कुछ तो देता हूँ लेकिन मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी जिंदगी है। डैड क्या फायदा इस धन दौलत का जब डैड बिकॉज ऑफ दिस धन दौलत You get top-notch medical treatment. You have a luxury car. Why don't you just go out with your friends and enjoy your life? और आपके सुविधा के लिए नौकर भी तो है. What else do you want, Dad? वक्त, समय. We need your time. देखो बेटा, हम seniors को सुविधा से ज़्यादा बच्चों का समय अधिक प्यारा होता है. Dad, you're just being unreasonable. Unreasonable? देखो तुम्हारी परवरिश नौकरों ने नहीं की है. मैंने किए, दूध मैंने पिलाया, घोड़ा मैं बनता था, मेरे कंधे पे सवारी तुम करते थे। नौकर सिर्फ दूध पिला सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ममता सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं, और हम थोड़ी सी रेस्पेक्ट ही तो मांगते हैं। Dad, look, I'm not in the mood to argue with you, and I'm not an emotional fool like you. You know I'm the busiest and most respected nephrologist of the city. अफसोस, तुम अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए, बड़े किडनी डॉक्टर बन गए, लेकिन एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा ना बन पाए। अरे 5 साल के थे तुम जब तुम्हारी माँ गुजर गई, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बड़ा किया है, डॉक्टर बनाया, क्या बाप का बलिदान भूल गए? व्हाट बलिदान? देखिए मैं डॉक्टर अपने दिमाग, डेडिकेशन और अपनी मेहनत से बनाऊं। क्या आप आए थे मेरे एग्जाम देने के लिए? अरे आपके पास तो मेरे फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। ये तो अच्छा हुआ कि डीके अंकल ने लोन दिया, वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। दादू दादू, प्लीज डोंट गो दादू। और तूने जयंती को जाने दिया? अंकल मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की,
पर वो रुके नहीं। सोचा कि उनका गुस्सा ठंडा होने पर वो वापस आ जाएंगे, और ये पहले भी कर चुके हैं। He would be gone for a day and come back in the night. This time it is more than a day. That particular day was very stressful at work. I agree. I overreacted that day. ये तूने अच्छा नहीं किया। अंकल देखिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन डैड इज जस्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। वही पुरानी बातें, मैंने तुझे बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, ब्ला ब्ला। डॉक्टर है ना तू? अरे कभी तूने अपने बाप के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे हैं? अंकल डोंट बी सिली, यू नो हिम। ही नीड्स टू गिव मी हिज कंसेंट टू रिव्यू हिज मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ही रिफ्यूजेस टू गिव इट टू मी। डू यू नो व्हाई? दैट्स हिज पर्सनल मैटर। And how is this even relevant? Are you done now? No, I am not done. Dr. Bhaskar, अब वक्त आ चुका है तुझे तेरी औकात दिखाने का। आज जब तूने सब हदें पार कर ही दी है, तो तेरे बाप की छुपी हुई नेक बात बताने का वक्त आ चुका है। अरे जब तू 5 साल का था और तेरी माँ गुजर गई, तो लोगों ने बहुत समझाया, पर तेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की। अरे तेरे सुख के कारण उसने अपनी जवानी तुझे पालने में बिता दी, और एक बाप होते हुए वो तेरी माँ भी बन गया। और अब ध्यान खोल के सुन ले, तेरा बाप और मैं दोनों गांव के स्कूल में मास्टर थे। अगर उसके पास तेरी मेडिकल कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मेरे पास कहाँ से आएंगे? अरे कभी सोचा है तूने? तू इस शहर का सबसे बड़ा किडनी स्पेशलिस्ट बन पाया, उसका कारण जानता है तू? अरे तेरी फीस मैंने नहीं, तेरे बाप ने अपनी एक किडनी बेच के तुझे किडनी स्पेशलिस्ट बनाया है। तेरे बाप ने अपनी एक किडनी बेच के तुझे किडनी स्पेशलिस्ट बनाया है। तेरे बाप ने अपनी एक किडनी बेच के तुझे किडनी स्पेशलिस्ट बनाया है। अंकल, I did not know this uncle. I did not understand my father's love and dedication. Uncle, I need to find my father, uncle. I need to find my father, uncle. I need to find my father. एक सेकेंड अंकल, किसी का फोन है। हेलो, यस यस, दिस इज डॉक्टर भास्कर, माय डैड। तब हमारी हाक भी तुम रुको।